पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी महिला जागृति संघ दिल्ली द्वारा सुहागिनों के महापर्व करवा चौथ पति दिवस की कथा का सामूहिक आयोजन किया गया। सनातन भारतीय परंपरा में सुहागिन महिलाओं को इस महापर्व का बहुत महत्व है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस महापर्व की कथा श्रावण एवं थाली बटावन का एक भव्य कार्यक्रम दशहरा मैदान जनकपुरी में आयोजित किया गया। करवा चौथ महापर्व के इस साल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे एवं असम के प्रथम महिला श्रीमती प्रेममुखी जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगी, जबकि दक्षिणी दिल्ली के महापौर श्रीमती कमलजीत सहरावत, श्रीमती स्वाति प्रवेश वर्मा, श्रीमती गरिमा भटनागर IPS एवं चेयरमैन पश्चिमी जोन श्रीमती सरिता जिंदल वरिष्ठ अतिथि होंगी। असम के नवनियुक्त राज्यपाल जगदीश मुखी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिनसे हमारे संवाददाता जितेंद्र सनेजा ने एक खास बातचीत की। करवा चौथ के अवसर पर मैं देशवासियों को, विश्व को यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे देश का जो पारिवारिक सिस्टम सर्वोत्तम माना जाता है विश्व के अंदर, उसके पीछे आधार यही है कि हमारी बहनें अपने पतियों की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं और पतियों का उनके साथ इस तरह से जुड़ाव बना रहता है, सीमेंटिंग फोर्स का काम करती है और यही विश्व के लिए एक आश्चर्य की बात है। वो कहते हैं आप 50-50 साल एक ही महिला के साथ रह लेते हैं, हमारे लिए गर्व की बात है, उनको आश्चर्य होता है। इस मैसेज को पूरे विश्व के अंदर आप मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, आपके मैं धन्यवाद करता हूं। करवा चौथ की सभी भारत देश की मेरी जो बहनें उन सबको बधाई। आज अपने पति के लिए, अपने जीवन के साथी के लिए जिसके साथ हम पूरा जीवन बिताते हैं, उनकी लंबी आयु, उनकी खुशियों के लिए हम व्रत रखते हैं, तो इतना ही कहूँगी कि भारत के सभी जोड़े खुशी से रहें, एक दूसरे को सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जीवन की गाड़ी चलाएं। सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।